तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो से बात करने वाले CUET की फॉर्म फिलअप करने में क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस कारण से हो रही है, आपको लाइव में दिखाने वाला हूं। और आपको सब्जेक्ट कम से कम कितना लेना होगा मैक्सिमम आपको, और कौन सी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। बहुत से स्टूडेंट लैंग्वेज को, हर एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो आपको करेक्शन भी करने का मौका दिया जाएगा। तो आपको किस तरह से करना होगा और कौन सा आपको स्कूल का कोड डालना होता है, वो भी आपको लाइव में दिखाने वाला हूं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा है, तो पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म में प्रॉब्लम किस कारण से हो रही है, यहाँ पर लाइव बताया जा रहा है। यहाँ पर रेड कलर में जो जा रहा है वेबसाइट पे आने के बाद, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो रोज़ की रोज़ डेली अपडेट की जा रही है। किस कारण से अपडेट की जा रही है, जब आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो सिलेक्ट करने का जो यूनिवर्सिटी आप चाहते होंगे वो यूनिवर्सिटी आपको मिलती नहीं होगी। इसके ही कारण आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट आपने कर दिया है, यूनिवर्सिटी आपकी मन पसंद की नहीं मिली है, तो जब करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप चेंज भी कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर पहली अपडेट ये हो गई। अब दूसरी अपडेट आपको और बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक लिंक, आपको इस लिंक पे ही क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक PDF यहाँ पर आपका डाउनलोड होगा। करने के बाद आपको PDF को ओपन कर लेना है। ओपन जब करें इस प्रकार से आपको देखने को मिले, जो आपकी डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च आपकी डेट कर दी गई है, लेकिन जो टाइम है उसको चेंज कर दिया गया है, 9:50 यानी रात 9:50 तक आप फॉर्म को सबमिट कर पाओगे, लेकिन जो पेमेंट का है वो टाइम 11:50 ही रहेगा। 31 मार्च 11:50 फीस जो आपकी पेमेंट की है वो 11:50 तक कर पाओगे, और जो करेक्शन की डेट है वो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को कर दी गई है। 11:50 तक करेक्शन विंडो, यानी 2 अप्रैल को करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, और जो भी आपको अपडेट करना होगा आप अपडेट कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट की, तो आपको कितने सब्जेक्ट लेना होगा। जी का एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है अधिकतम आपको 6 सब्जेक्ट लेना है, और यहाँ पर उम्मीदवार भाषाओं में यानी अपनी भाषा में आपको लेना है, जो भारतीय हो या विदेशी हो दोनों लोगों के लिए यहाँ पर बराबर है। 6 विषय आप चुन सकते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट आपको लेना है। और यहाँ पर बताया गया कि उम्मीदवार को कम से कम एक भाषा का चयन करना होगा, ये एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये नहीं कि आप बंगाली को भी सिलेक्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी को भी, गुजराती को, मराठी को, तमिल को भी। आपको अपनी एक भाषा, आपको हिंदी आती तो आपको हिंदी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 13 भाषाएं कुल टोटल यहाँ पर दी गई है, इनमें से आपको जो भी भाषा आती है वो आप एक भाषा को सिलेक्ट करेंगे, वो 6 सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। दोस्तों जो आपका यहाँ पर होगा पेपर होगा, यहाँ पर बताया गया ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, CBT मूड से भी होगा और पेन और पेपर वाला भी आपका पेपर होगा। यहाँ पर टोटल 61 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर 33 भाषाएं हैं, यहाँ पर 27 डोमेन है, यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये आपको बुलेटिन में मिल जाएगा, 15 नंबर पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा, साफ साफ आपको बुलेटिन में ही बताया गया है। चलिए हम यहाँ पर बात करें आप कोड की, आपको कौन सा कोड डालना हो। कॉलेज पिन कोड आप फिलअप करने के लिए जब क्वालिफिकेशन डिटेल पे आते होंगे 10वीं और 12वीं का, तो दोस्तों यहाँ पर मांगा जाता होगा आपके स्कूल और कॉलेज का पिन कोड। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से स्टूडेंट 5 अंक का पिन कोड डालते हैं, लेकिन 5 अंक का नहीं डालना, आपको 6 अंक का पिन कोड होता है। वो किस तरह होता है अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6 अंक का पिन कोड अपना डालना है। अगर आपका सेम कॉलेज है तो आपको 12वीं में भी वही पिन कोड डालना है और आपको 10वीं भी डालना है। चलिए पिन कोड किस तरह होता है आपको दिखा दूँ। ये होता है 6 अंक का पिन कोड, ये आपके स्कूल के बोर्ड पे लिखा होता है, पिन कोड आप देख लेना या किसी से पूछ लेना अगर आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर ये पिन कोड होता है अपने स्कूल और कॉलेज का, ये आपको डालना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 अंक का ये पिन कोड है, यही आपको फिलअप करना है। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पे। बाय।